हेलो गाइस, जिससे आप देख रहे हैं मिस्टर वाह अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए पास्ट पेपर लेकर आया हूँ मोटो रिप्लेस में, वो भी फोटोग्राफ में, जो आज 8/07/2024 जो आज पेपर हुआ है वो मैं हलशुदा में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एमसीक्यू सही थे। सही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्ट वाइज करनी है आपको। दिस हाउस इज़ यूज्ड एवरी ईयर बाय एस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बी सही, जो ऑप्शन नंबर इसका बी है फर्स्ट का वो सही है, वो यूज दी थिंग्स वेरी रेयरली। सही, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर बी। अगर हम बात करें सेना नेम ऑफ फेल्सेगो, तो फेल्सेगो का जो सेना नेम है वो कौन सा है, इसका जो ऑप्शन नंबर टू का ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें थ्री की, तो थ्री में कह रहा है कि नाइफ कट, उसका आपको सिमिलर मीनिंग लिखनी है। जो इसका नंबर ऑप्शन नंबर थ्री का जो डी है ड्रिल, वो आपका सही है। सही, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, सही, तो क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि रिड्यूसेबल अवे, तो सेम मीनिंग इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर नंबर ए होगा वो वाला सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो यहाँ पर कह रहा है कि वन हु एबैंडन हिज रिलीजन फेथ, जो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर नंबर जो ए होगा वो वाला सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, जहाँ पर शो रहा है कि पार्ट ऑफ अ वर्ड डेट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, जो इसका सिक्स नंबर का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो वाला सही होगा। सही, सेलेबल। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, तो जहाँ पर शो रहा है कि फॉरन फ्रेज डी जोअर मीन्स, क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा पहला। क्वेश्चन नंबर अगर एट की बात करें, तो जहाँ पर शो रहा है कि लाइक ए सिटिंग डक मीन्स, सही, इसका ये एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है उसका, या शोर आए नंबर एट का, एट का ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, इग्नोरेंट। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की, तो यहाँ पे शोर आएगी और प्लान टू सक्सेस इन द मीनिंग ऑफ, हमारा ये प्लान था कि हम उसमें मकसद हो जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर जो नाइन है उसका जो आंसर नंबर ए वाला राइट होगा। सही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ए वाला सही होगा। सही, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नो यूज टू एवरी क्राय ओवर, तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, स्प्लिट मिल्क। सही, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की, तो यहाँ पे शो रहा है कि ही इज़ आउट एंड आउट रीचर मीन्स, क्वेश्चन नंबर इलेवन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें, तो द स्मोक वेंट द चैमनरी, आपके ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें थर्टीन की, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर, सो देयर, इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर जो थर्टीन का बी होगा वो वाला सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर्टीन की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका कोई मिसकंसेप्शन ना हो जाए, आप कोई गलत ना समझ लें। सही, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन के। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए ये देखे बात करूँ, तो यहाँ पर शो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, उसका जो ऑप्शन नंबर है वो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर 17 की बात करें, 17 का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही होगा। सही है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC जो कब फाउंड, उसमें कितने मेंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा थ्री होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही होगा। अगर हम बात करें 20 की, तो यहाँ फेमस बुक जो है अल्कलून वोकस ने लिखा हुआ है, कौन सा साइंटिस्ट था जो 20 का ऑप्शन नंबर होगा वो वाला होगा बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो OIC कब फाउंड हुई थी आपको वो लिख देना है सही, 21 में, उसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो है सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, व्हेन यून डे इज सेलिब्रेटेड, इसका जो 24 होगा ऑप्शन सही होगा। 23 का जो ऑप्शन होगा वो वाला थ्री वाला सही होगा, विच कंट्री इज कॉल्ड दी ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, तो जब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर नंबर डी है वो सही होगा। सही, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ पर शोर है कि गोभी डिजर्ट कहाँ पे है, तो आपको लिखना है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो यहाँ पर किडनी हिल पार्क कहाँ पे है, 26 का आंसर नंबर जो डी होगा वो सही होगा। 27 की बात करें, तो विच कंट्रीज ऑफ जापान, सर व्हाट इज़ द करेंसी, जापान की कौन सी करेंसी, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, तो इन विच US स्टेट इज सिटी ऑफ सैन डिएगो, सही, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, उसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, उसका जो ऑप्शन नंबर
बी होगा वो वाला सही होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इन विच सूरह ऑफ मेंशन द नंबर ऑफ मंथ्स, सही, तो कौन सी सूरत में नंबर ऑफ मंथ का जिक्र किया गया है, तो यहाँ शोर है कि सूरह अल तौबा, सही। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, यहाँ पर बैटल ऑफ जम्मू कब और किसके कौन था, बैटल ऑफ जम्मू जो थी कब लगी थी और वहाँ पे जो खलीफा था वो कौन सा था, यहाँ पर शोर आएगा हज़रत अबू बकर। अगर हम बात करें 33 की, हाउ मेनी तकबीर से इन नमाज है, सही है, जनाजा, जनाजा नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं, नमाज है यहाँ पे ऑप्शन शोर है जनाजा, तो इसमें शोर आए कि 4 तकबीरें होती हैं नमाज जनाजा में, सही है, लेकिन इसमें अजान नहीं होती। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया 33 तक। अगर हम आगे जाएँ, सही है, तो यहाँ पर शोर आए कि ये देखें 53 शोर है, सही है। ओके, 34 से बाद हम जाएँगे 35 के ऊपर, ये देखें। ओके, तो आप देख सकते हैं अब हम जाएंगे 34 के ऊपर, सही, तो 34 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। यहाँ पर शोर है कि हाउ मेनी रुकू इन सूरह अल बकर में, कितने रुकू है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो सही होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, उसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, नमाज का सूप कब पढ़ी जाती है, हर टेस्ट में आता है, सो रिमेंबर इट। 36 की बात करें, जमजम मीन्स क्या होता है, टू स्टाफ, 36 का और 37 का जो क्वेश्चन है, किताब एक असर किसका लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 37 का ए होगा वो सही होगा, इमाम अबू हनीफा। 38 की बात करें, इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान खतीब नबिया किस में बयान किया गया, 38 का आंसर नंबर जो डी है वो सही है। अगर बात करें टोटल जुजवा कितने हैं, 39 का आंसर नंबर जो 27 होगा वो सही होगा। 40 की बात करें, तो नेम दी मदर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदर का नाम क्या था, राहील, तो ऑप्शन नंबर 40 का बी नंबर सही होगा। अगर हम बात करें 43 की, मस्जिद अक्सा कहाँ पे है और इसकी क्या मीनिंग है, तो उसका जो 43 का ऑप्शन नंबर बी ए होगा, सॉरी वो सही होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, इसका जो आंसर होगा सूरह लुकमान होगा। आपको यहाँ पे रीड कर देना, अगर शो ना होगा तो फिर भी मैं आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिख के बता दूंगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 44 का ए सही होगा, 45 का बी सही होगा, 46 का बी सही होगा, 47 का आंसर नंबर जो बी है वो सही होगा, 48 का आंसर नंबर बी सही होगा, 49 का आंसर नंबर ए सही होगा, 50 का आंसर नंबर बी सही होगा। अगर हम बात करें 51 की, आंसर नंबर सी सही होगा, 52 की आंसर नंबर जो यहाँ शो रहा है कि बी, 52 का आंसर नंबर बी सही होगा, सही है। ओके, अगर मैं नीचे आ जाऊँ 52 के बाद, मैं आ जाता हूँ 53 पे, ये देखें। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इसको जूम करके, तो यहाँ पे सॉरी मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, ओके, यहाँ पर शो रहा है कि ये देखें कोविड-19 कब आई थी, हमें कोविड नंबर 19 थी, मतलब जिसको हम कहते हैं क्या कोरोना वायरस कहते हैं, वो कब आई थी, तो यहाँ पर शो रहा है कि ऑप्शन नंबर 53 का बी सही होगा। यहाँ पर शो रहा है कि द वायसरे हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसने अनाउंस की थी, जो 54 का आंसर नंबर ए सही होगा। अगर बात करें 55 का आंसर नंबर बी सही होगा। अगर हम बात करें 56 का आंसर नंबर जो इसका सी होगा वो सही होगा। 57 की बात करें, तो 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 56 की बात करें, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 59 की बात करें, 59 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, उसका जो आंसर होगा वो होगा हसन अब्दुल, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें 61 का आंसर नंबर उसका जो ए है वो सही होगा। अगर हम बात करें 62 की, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम बात करें 63 की, ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। अगर हम बात करते हैं 64 की, ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। अगर हम बात करते हैं 65 की, इसका जो आंसर नंबर ए होगा वो सही होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, इसका जो सी होगा वो ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें 67 की, इसका जो आंसर नंबर सी होगा वो सही होगा, सही। 68 की बात करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। और यहाँ पे 69 का जो बी सही होगा और 70 का बी सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर कोई आपको MCQs वगैरह समझ में नहीं आता है, तो मैं जो इसका जो आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। अगर आपको कन्फर्म नहीं होता है या फिर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह गलत समझ में आता है, तो उस तरह ये गलत है, आप उसमें कन्फ्यूज़ हैं, अगर आप करके भी आए हैं तो अगर कोई मसला हो जाता है, तो फिर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।